दतिया कलेक्टर संदीप मकिन ने कहा कि सभी राजनैतिक दल आदर्श आचरण संहिता का पूर्ण रूप से पालन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी दतिया एवं कलेक्ट्रेट दतिया ने बताया कि 7 मई को होगा जिले में मतदान। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा उपरांत संपूर्ण जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप मकिन ने सभी राजनैतिक दलों को निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि आदर्श आचरण संहिता का पालन सभी राजनैतिक दलों द्वारा सुनिश्चित किया जाए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु आज न्यू कलेक्ट्रेट में आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के लोकसभा निर्वाचन से संबंधित दिशा निर्देशों की जानकारी दी। कलेक्ट्रेट मकिन ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 16 मार्च से आदर्श आचरण संहिता जिले में लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीसरे चरण में 7 मई को जिले में मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी। ये लोकसभा भिंड दतिया का पार्ट है। सेवड़ा के 1288 मतदाता बढ़े हैं, भांडेर के 771 और दतिया के 1294। इस प्रकार पिछली विधानसभा से कुल 3353 मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। सर्विस वोटर सेवा मतदाता जो सेनाओं इत्यादि में होते हैं उनकी संख्या 951 है। हमारे जो तीनों विधानसभा हैं जिले की, उसका जेंडर रेशियो अर्थात प्रत्येक 1000 पुरुष पे 887.42 महिलाएं हैं, हर 1000 लोगों पर 60.61 मतलब 60.61 प्रतिशत मतदाता हैं। हमारे यहाँ जो दिव्यांगजन हैं उनकी संख्या 4375 है। एक परिवर्तन भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार किया, जो घर घर वोट डलाते थे तो 80 साल के ऊपर लोगों के होते थे, जो बढ़ा के इस साल उनकी एज लिमिट 85 कर दी गई है। 85 वाले लोग हमारे यहाँ 2474 हैं। 100 वर्ष के ऊपर के भी 34 लोग हैं हमारे यहाँ, और टोटल पोलिंग स्टेशन जितने विधानसभा में थे जिले के 707 पोलिंग थे, उतने ही अभी भी हैं। सेवड़ा में 221, भांडेर में 229 और दतिया के 257। वाहन आम सभा होर्डिंग इस तरह की जितनी अनुमतियां होती हैं, ये सिंगल विंडो स्कीम के तहत पहले भी दी जाती थी, अभी भी दी जाएंगी। वही पुलिस और पीडब्ल्यूडी और इनकी राय लेने के बाद संबंधित जारी करेंगे, उसके इंचार्ज ऑफिसर भी बनाए गए हैं। पिछली बार हमारे 53 मतदान केंद्र ऐसे थे जो उसमें सभी महिलाएं थी, तो महिला शक्ति को बढ़ावा देते हुए हम ऐसा मानते हैं कि इस बार इनकी संख्या 1.5 गुने से 2 गुना तक करने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें ऑल वुमेन जो बूथ्स हैं उनको वो हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारे पास बहुत उत्साही और हाईली एनर्जेटिक महिलाओं का हमने पिछली बार वो देखा था कि किस तरह से एफिशिएंटली उन्होंने चुनाव कराए, और इस बार भी हम महिला शक्ति को निश्चित रूप से आगे करेंगे और उम्मीद करेंगे कि और अच्छा चुनाव करा के दिखाएं।